चंडीगढ़ का हमारा टूर बढ़िया चल रहा है, काम शाम सही हो रहा है, स्टॉल्स वगैरह लगते थे, भरा होता था इस टाइम पे, तो इसे खाली है ना, ये सब भरा होता था एक टाइम पे और बहुत सही लगता था तब। बट इसकी अल्टीमेट लगती है बहुत कम जगह की अच्छी होती है, दिस इज वन ऑफ दोस प्लेस। क्या ये फर्स्ट फ्लेवर 300 रुपए में भी ले लियो और किसी को पैसे चेंज करने का मौका भी नहीं दिया, 300 रुपए ले लिए। दिल्ली में हो रही है भयंकर बारिश, मजेदार मौसम अच्छा हो गया ना तो अच्छा लग रहा है, ये गर्मी धूप वगैरह होती ना तो इतना मजा नहीं आता। टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे जाके चंडीगढ़ में। खूब सारा खाना पीना मजे करना और खूब सारा काम भी कर लेना। ओके बाय बाय। फर्स्ट स्टॉप आ गए हैं 16.3 के, अभी तक हम फ्यूल इकोनॉमी निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। देखो मैंने तो खोल लिया अपना टिफिन यार, सुबह सुबह पराठे, तो मैं ड्राइव करना है भाई, तो मैं पहले अपना। आपने कितना ड्राइव करना है? करूंगा क्या? आपने मूर्छा तक ही ड्राइव करना था, उसके बाद आप चाह रहे हो कि मैं सो जाऊं? खाले तू भी थोड़े फ्रूट हेल्दी को लीची खा ले, लीची खराब हो जाएगी फटाफट। पहले अब इतना सारा फ्रूट आ रखा था तो भैया पहले फ्रूट ही खाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ इतनी है, फ्रूट बहुत काम करेगा, ठंडक देगा, उसके बाद खाना खाएंगे। टेस्टी पराठा, ये तो आलू प्याज यहाँ पे मिक्स, वहाँ पे भी आलू प्याज, आलू प्याज कांस्टेंट ऑर्डर है मुर्टल में, आलू प्याज पराठा और चना मसाला, साथ में एक चाय। पराठा और चाय का ना कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा। कितने भी हम 27 पे ठंडा लग रहा है, 27 पे हीटर चालू हो जाता है। कुरुक्षेत्र आ गए, कुरुक्षेत्र बीच में थोड़ी थोड़ी छांव आ रही है, खाली खाली है, वैसे भी बिग डे है तो पूरा खाली। 1:30 बजे का दिखा रहा है हमें, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। कोई नहीं हो जाता है। चंडीगढ़ को हम क्या कह रहे थे, NCR जैसा इक्विवेलेंट नाम देना चाहिए, ट्राई सिटी रीजन, क्योंकि अंबाला के बाद अभी है चंडीगढ़ का। ट्राई सिटी हो गया चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, अब उसके अंदर उधर से अंबाला डाल दो, उधर से जीरकपुर डाल दो, बस यहाँ अंबाला से तो चंडीगढ़ नॉर्मली लगता है। गुड़गांव वाली फीलिंग आ रही है भाई, आपको थोड़ी देर 1.5 घंटा, अभी 10-15 मिनट गाड़ी चली और आप पूरा अंबाला वाला गुड़गांव ही बन चुका है। अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रही है देश में, बेटर ऑन +9 है, बस ये +9 देख के डर लगता है थोड़ा सा। एक चीज का राहत है बस कि मौसम ठीक है रिलेटिवली, कि इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, बात है, इसको भी एंजॉय करते हैं, ये भी पार्ट है भाई। +11 हो गया भाई, कुछ होगा, मैनेज, ट्रैफिक तो ठीक है, बट मैंने जो है एवरेज यहाँ तक की मान सकते हैं हम 15.9-16 हो गई थी, अब वापस हम 15.9 पर आ गए। अब सिटी के ट्रैफिक में देखते हैं कितनी कम होगी। तो भैया ये जो जाम है बस सामने जो ट्रैफिक लाइट है उसी का है। देखो जी आगे हम चंडीगढ़ में, प्यारी प्यारी गाड़ियां दिखनी शुरू हो गई हैं हमें, और शेखी खयाल कलर भी अच्छा है, ग्रे कलर का, ऐसी गाड़ियां दिखते रहे ट्रैफिक में तो मन लगा रहता है, ठीक है, बट ओवरऑल स्मूथ चलती है ड्राइव, रास्ता एकदम सीधा सीधा है, ये बेस्ट है चंडीगढ़ में। यहाँ लिखा आ जाता है मैप के अंदर ही, सही मैप के अंदर लिखा आ जाता है, वही सॉर्टेड है, वही फॉलो कर लो आप। ट्रैफिक थोड़ा कम है भैया, एवरेज 14.8 की आ गई है 16 से, चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़, ये ऐसे सेक्टर लिखे आने शुरू हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया आपको ग्रीनरी दिखेगी सारी जगह, पेड़ ही पेड़, ऐसे चौक चौक आने शुरू हो जाते हैं और सारे नंबर नंबर लिखे होने शुरू हो गए आपके चंडीगढ़ में, भाई ग्रीनरी तो बढ़ रहा है पर वो खाली बन नहीं रहा आप चंडीगढ़ में, भर गया बहुत, पूरा भर गया, पहले पहले चंडीगढ़ खाली होता था, लगता था कि दिल्ली बहुत भरा हुआ है और चंडीगढ़ खाली है, और चंडीगढ़ भी इक्वली भरा हुआ है, बट ग्रीनरी का मजा है ना, ओए होए होए, इतने बड़े बड़े पेड़, सुंदर सुंदर और खुले खुले, और पार्क कितने खुले खुले, मजा आ जाता है देख के, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। चलो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं, 2:15 हो गए, 14.5 की माइलेज निकाली है कंसीडरिंग द ट्रैफिक, क्योंकि हमारा क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी नहीं चली है भैया, बहुत ट्रैफिक था, तो उस हिसाब से ठीक है, ये सिटी ड्राइव ही कह लो गुड़गांव वाली। मैप लेके अब रेडी हो गए हैं, अब चंडीगढ़ का खाना एक्सप्लोर करेंगे फ्रेश होके एकदम बढ़िया से जी। टाटा बाय बाय करके अभी चलते हैं, बना बड़ा सुंदर, ऐसी बात नहीं, 800 बार भी खुल है, अच्छा सुंदर,
ये बड़ी समस्या है भैया, किधर जाना है, पांच मिनट नहीं नहीं कि 5 मिनट का सफर है और उसके अंदर से भी 2 मिनट ब्लॉग करना है, 3 मिनट में एसी क्या खाक गर्म करेगा यार। गर्मी बहुत है, 42-43 डिग्री फुल है, गाड़ी हमारी डार्क कलर है तो एकदम मस्त, बट इस टाइम पे कोई भी गाड़ी होती है भैया सब गर्म हो जाती है। मेन मुद्दे पे फोकस करें, अब यहाँ पर आगे हम खाना पीना एंजॉय करते हैं। पीछे से भरत भाई हमारे को गाइड कर रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है कैसे कैसे। चंडीगढ़ के प्यारे प्यारे मौसम में घूम रहे हैं, प्यारी सी इंडेवर दिख गई हमें, भरत भाई भी वही देख रहे हैं, मैं भी वही देख रहा हूँ, प्योर मेंटेन बढ़िया से कर रखी है, सही लग रही है ना कितनी, ये वाला मॉडल अच्छा लगता था, कलर भी बहुत है, फील रहे हो कितने बड़े भाई साहब इसमें, क्या सेक्शन है ये, 245-75-16 245-75। मौसम बढ़िया है थोड़ा, यहाँ पे ये बेनिफिट है कि पौधे वगैरह है ना, तो उस चक्कर में ग्रीनरी के चक्कर में हवा ठंडी रहती है, सही बात है ना, बाकी गर्मी तो यहाँ पर ज्यादा है, नहीं दिल्ली में बहुत ज्यादा है, आज दोपहर में थी पर ये अभी जो हवा चल रही है ना ठंड लग रही है, हाँ वो ये हवा दिल्ली में रात को भी गर्म चलती है, ऐसा लगता है कि ब्लोअर चल रहा है, पेड़ पौधों की वजह से बहुत फर्क पड़ जाता है। एंडेवर बाय बाय, अगली बार मिलेंगे आपसे। ये कम से कम भैया 2010-11 वाला मॉडल है, बिल्कुल पुराना वाला मॉडल है ना, TDCi आ गया ना, क्या स्टैंड्स आ रहा है और एकदम बहुत प्यारी, तो एकदम रात हो गई है और बिजली भी चमक रही है, क्या लग रहा है भाई, ओ भाई साहब ऑन, वाह जी वाह, मिट्टी की खुशबू आ रही है ना, मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है, वैसे तो शीशा नीचे कर लेते हैं, अब तो बारिश बंद सी हो गई है, कह रहा परफ्यूम बनाना चाहिए लोगों को, बनाते ही है ना, क्या बोलते हैं उसको, शमामा क्या होता है, मिट्टी की खुशबू को शमामा बोलते हैं, ऐसे मिलते हैं शमामा के नाम से परफ्यूम। The next day. Welcome back to another day. गाड़ी फुल गंदी है क्योंकि कल बारिश हुई थी, चल रहे हैं, मौसम बढ़िया हो रखा है, बादल शूट करने आए हुए हैं बढ़िया इलाकों में, एक वहाँ पे कॉफी हाउस भी है, वो तो बहुत आइकॉनिक है, अच्छा वो थर्ड फ्लोर पे है, अच्छा लिफ्ट है ना, मैं कुछ काम से बाहर निकली हुई थी, घर से निकलते ही पता चल गया था पंचर है, आई गॉट इट फिक्स्ड, पैसेंजर साइड का पीछे वाला टायर फ्लैट हुआ था, फुल फ्लैट था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि फ्लैट है, बट इसमें गाड़ी में वहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाता है ना कि आपका प्रेशर कम होता है तो वो बता देता है, अब उसमें आया वो बिल्कुल ही वन है, मतलब लाइक पूरा ही फ्लैट था। टू टेल यू अ स्टोरी, क्या हुआ था शादी से पहले जब मैंने बस ड्राइविंग सीखी थी तो क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का हो गया था पंचर, अब वहाँ कोई पंचर वाला वहाँ पे भी नहीं था, मुझे पता था कि वह पंचर हो चुका है और मैं धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करते करते कि भाई आगे अब जब पंचर वाला दिखेगा तब तो, बट वहाँ पे वो पंचर वाला था ही नहीं, तो ऑलमोस्ट फॉर 10 मिनट्स आई हैड टू ड्राइव, तो वो पूरा का पूरा टायर ही कट गया, फिर वो स्टेपनी से चेंज ही हुआ और वो टायर वॉज लाइक अ वेस्ट, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, कि अगर पंचर है तो ईदर यू वेट फॉर द कार असिस्टेंस का वेट करो, या आप नियर बाय कोई पंचर वाले को ढूंढ के लेकर आओ, या अगर लाइक आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दो यार, कैब करके आ जाओ, लेट द पर्सन जिसको आइडिया है जिसको सब पता है वो जाके बाद में, मतलब जब वो फ्री होंगे वो तब जाके वो हैंडल कर लेंगे, बट इट्स बेटर क्योंकि ना इट्स अ वेरी बिग एक्सपेंस, देन वो 50 रुपए में जो चीज ठीक हो सकती है वो फिर एक बहुत बड़ा खर्चा बन जाता है, मेरे को बड़ा दुख हुआ था, मेरी इतनी स्टुपिडिटी की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। व्हेन यू ड्राइव तुम्हें ना धीरे धीरे पता चलती हैं चीजें, तो नाउ आई नो द बेसिक्स, आई एम नॉट दैट अ प्रो लेवल, बट इफ गायन भी कुछ कुछ बताते रहते बिकॉज ही इज एन कार एंथुजियास्ट, इवन उन गायन ने तो मेरे को टायर पंचर लगाना भी सिखाया था, या उन्होंने सिर्फ मेरे को ऐसे ना विजुअली दिखाया था कि ऐसे 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 प्रोसेस होता है, आई नो द एंटायर प्रोसेस बट मैंने कभी किया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, मुझे लगता है सबको आना चाहिए, हू एवर इज ड्राइविंग उनको टायर पंचर लगाना और स्टेपनी चेंज करना आना चाहिए, सीखेंगे अब गायन आएंगे ना उसके बाद वी लर्न। बहुत है प्रवीण भाई, यहाँ पे तो पेड़ बड़े बड़े गिरी थी, दिखती है ना, सही है, आज थोड़ी सी धूप हो गई है बट वैसे सही है, स्टूडेंट्स की है कैंटीन वगैरह स्टूडेंट है पता नहीं क्या, यहाँ पर खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे, यहाँ से अब चल रहे हैं, जगह तो पसंद आई बट यहाँ शूट नहीं हो पाया कुछ कारण से, पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ चल रहा है, कैमरा कुमरा लेके भी लोग आ रखे हैं, खाने पीने का कुछ सीन हुआ है, चल रहा है, न्यूज में आएगा तो पता चलेगा क्या बात है,
चंडीगढ़ का हमारा फुटूर बढ़िया चल रहा है, काम शाम सही हो रहा है। हरिद्वार वाले लोग मिल गए हमें यहाँ पे, कैसे हो? वेरी गुड, आप बताओ। ये हमें हरिद्वार मिल रहे डुबकी मारते हुए। और चंडीगढ़? या आई एम फ्रॉम अम्बाला। अच्छा अम्बाला, ओके एंजॉय, बाय बाय। कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिल जाते हैं? है ना, सही बात है। यहाँ पर हम पीने आए हुए थे भाई ये बबल टी, कौन सा फ्लेवर? ग्रीन मेलन। ग्रीन मेलन जो सिर्फ आपको, खरबूजा फ्लेवर, खरबूजा फ्लेवर एवर हो गया ये। बेस्ट फ्लेवर, 300 रुपए रेपी ले लियो, और मेरे किसी को पैसे चेंज करने का मौका भी नहीं दिया, 300 रुपए ले लिया। मुझे तो पूरा पसंद आया, ये आए तो एंजॉय किया। गुड फ्लेवर, काफी डिफरेंट है, काफी टाइम बाद मेरा फेवरेट हो गया बोबा टी। मुझे पसंद नहीं है बट ये फ्लेवर के बाद पसंद आया। और देखो कैसा होता है, वहाँ पे हरिद्वार में लोग मिले थे और अब यहाँ पे। यही छोटी सी दुनिया है भगवान की, जहाँ मिल जाते हैं, दुनिया गोल है, छोटी सी दुनिया है, कहाँ पे कहीं पे भी मिल जाते हैं। जो भी हो वाइब तो है, हैं? पांच भाई वाइब तो है, अभी भी वाइब तो है। मौसम अच्छा हो गया ना तो अच्छा लग रहा है, ये गर्मी धूप वगैरह होती ना तो इतना मजा नहीं आता। अभी मौसम बढ़िया हो गया, बढ़िया वाइब आप देख रहे हो, अच्छे से होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सारे सेक्टर वगैरह सब बने हुए, यहाँ पे ये पूरा मैप बना हुआ है, पूरा मैप बना हुआ है, ये सेक्टर 17 और ये आइकॉनिक नीलम थिएटर। यहाँ पर आके मूवीज देखा करते थे हम बचपन में, अब कजन्स वगैरह के साथ आते थे, प्यारी मेमोरीज बचपन की। और ये पीछे यहाँ पे पूरा बहुत सब कुछ ना ऐसे कपड़ों वगैरह का वो लगता था, स्टॉल्स वगैरह लगते थे, भरा होता था। इस टाइम पे तो इसे खाली है ना, ये सब भरा होता था एक टाइम पे और बहुत सही लगता था तब। भयंकर महंगा कर दिया भाई ये तो इन्होंने, इतने में मतलब नेचुरल्स वगैरह में पूरा कम आ जाते हैं, ऑल नेचुरल्स वाली है ना। बास्किन रॉबिन चल, बास्किन रॉबिन आ जाएगी यार एक। ओके देखो शूट चल रहा है, बट यहाँ थोड़ा हमें आगे शौक लग गया। The next day. Good morning and welcome back to another day. सीढ़ियाँ ध्यान से उतरने पड़ती, पहली वाली बड़ी लंबी सी है, फर्स्ट वाली लंबी है, फिर ठीक है। दिल्ली में हो रही है भयंकर बारिश, मजेदार, बहुत अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही है, कितनी तेज हो रही है, नीचे पानी भर रहा है, थोड़ा थोड़ा भर रहा है। अभी हम बैठे हैं निक बेकर्स पे, शूट चल रहा है, ये खा रहे हैं बनोफी पाई और ये पी रहे हैं कॉफी। भाई ये अल्टीमेट कॉफी पिया ना भाई, मैं बता नहीं सकता, चम्मच से कॉफी पिया। मैं टेस्ट कर लेता हूँ बट ना मन नहीं मेरा, कहीं कॉफी से उठ चुका है पता नहीं मैं, बट इसकी अल्टीमेट लगती है मुझे ये वाली बनोफी पाई, बहुत कम जगह की अच्छी होती है। दिस इज वन ऑफ दोस प्लेस, एक यहाँ की और एक खान मार्केट वाली, फिर पिक्चर की बनोफी पाई अच्छी होती है, एप्पल पाई एंड बनोफी पाई, तो इन दोनों जगह की मुझे पसंद है, पास्ता एंड पेस्ट्रीज। मैं तो खान मार्केट गया हूँ तो मुझे वही पता है। आज के दिन हमने बहुत खाना खाया, बहुत हैवी खाना खाया, ये इनकी वाइब बड़ी प्यारी है भैया। यहीं पर आते थे चंडीगढ़ में पटरी बना रहे, बहुत ट्रैफिक था, बहुत गाड़ी चली है, गाड़ी चली 12 की एवरेज दिखा रहा था, कुछ अराउंड 420 चली थी, 12 दिखा रहा था, 12 की जब आए थे 15 कुछ ऐसी दिखा रहा था, 12 की होगी थी सिटी में, और घूमती खड़ी रहती है तो इतना तो एसी वैसी चलता तो 39 लीटर ऑलमोस्ट डाला है। कितने की टंकी अपनी? 45। आज चंडीगढ़ अब हो गया है, अब हम कल सवेरे निकलेंगे अम्बाला के लिए।